ओके सर, आज का ओरिएंटेशन का तुम्हारा एक्सपीरियंस? आज का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहा भैया। मैं फेस टू में पढ़ना है या पढ़ना है, फोड़ना है, छोड़ना है, तीनों में से क्या ऑप्शन चूज करोगे? पढ़ना ही है। अगर मुझे आइटम सिलेक्शन करना है ना, तो स्टडी ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो भी माया मोबाइल्स वगैरह सब छोड़ने होंगे। सर यहाँ पे स्टडी बहुत पहले बहुत अच्छी है, उसके बाद यहाँ फी भी कम में हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पीयूष है भैया। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से। तो ओके सर, आज का ओरिएंटेशन का तुम्हारा एक्सपीरियंस? आज का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहा भैया। मैं फेस टू में हूँ और आज हम लोगों के जितने भी टीचर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ्स के टीचर ने हमें बताया कि हम लोग कैसे पूरा साल कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पूरा टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट सीरीज होगा, क्या क्या स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। कोटा में अगर आपने पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, क्या रीज़न है इसका? भैया पीडब्ल्यू को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने क्लास 8 से ही अलग सर का वीडियोस देखा था और उन्हीं के वीडियो के थ्रू पढ़ाई भी किया था साइंस और मैथ्स का, और बाकी तो पीडब्ल्यू इमोशन है, प्यार है अपना। पीडब्ल्यू देखा जाए तो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपेक्षा जो है, मतलब किस प्रकार से डिफरेंस लगती है आपको? पीडब्ल्यू जो है वो अभी जितने भी लोग बच्चे जो कोटा नहीं आ पाते, जिनके पास इकोनॉमिकली उतना वेल्थ नहीं है, उन लोग के लिए भी पीडब्ल्यू ने इतना अच्छा स्कोप दिया है कि मतलब कोई भी यहाँ आ सकता है, इतने इकोनॉमिकल प्राइस में कोई भी यहाँ अफोर्ड कर सकता है कोटा में। क्या नाम है तुम्हारा? अभिलाष। कहाँ से हैं? कोटा। तो पीडब्ल्यू आपने ज्वाइन करी है और इसके अलावा जो आज का जो ओरिएंटेशन था उसका एक्सपीरियंस बताइए। आज का बढ़िया था, बढ़िया टीचर्स मिले। पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का रीज़न बता सकते हो? पीडब्ल्यू एक तो नाम चला था, सब बोल रहे थे कि बढ़िया है, अलग से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया ही है। अभी भी क्या सीखा आज के ओरिएंटेशन में? ये पढ़ना है, 2 साल लगाने हैं, जिसमें पढ़ना है या पढ़ना है, फोड़ना है, छोड़ना है, तीनों में से क्या ऑप्शन चूज करोगे? पढ़ना ही है, फोड़ना तो क्या फोड़े तो पढ़ोगे तो फूट जाएगा, टेंशन मत लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विष्णु गुप्ता नाम है मेरा। क्या मतलब सीखा आपने आज के ओरिएंटेशन में? मैंने आज ये सीखा कि अगर मुझे आइटम सिलेक्शन करना है ना, तो स्टडी ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो भी माया मोबाइल्स वगैरह सब छोड़ने होंगे। पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का रीज़न बता सकते हो? रीज़न ये है कि इसकी एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो मेरी थी वो तो ठीक होगी उससे मेरी, बाकी जो भी है ना से मतलब यहाँ का सिलेक्शन जो देखे मैंने उस चीज़ से मैंने देखा कि मेरा हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ की जो स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल्स वगैरह वो सब देखे मैंने, वो सब उन सबसे लगता है मुझे मेरा हो जाएगा। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में देखा जाए तो पीडब्ल्यू किस प्रकार से आपको डिफरेंट लगती है? सबसे डिफरेंट मुझे ये जिनकी मैंने उनकी इंस्पिरेशन देखी कि उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिस वजह से मैं उनके इंस्पिरेशन हुआ हूँ कि ये शायद हो सकता है मेरा इससे। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से देखा जाए तो अभी बाकी कुछ इंस्टीट्यूट पहले से चल रही है, लेकिन अभी जो यहाँ लॉन्च हुई है नई, उन्होंने कुछ एक नया किया कि नाम से अभी बनाया नहीं, तो ना सोचता हूँ कुछ होगा इसमें, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा तभी मैं इसमें ज्वाइन किया। आज के ओरिएंटेशन में बात की जाए तो हमारे साथ कुछ गर्ल्स भी है, ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। आज के ओरिएंटेशन के बारे में एक्सपीरियंस क्या बताना चाहिए? सर बहुत अच्छा रहा सर, सब कुछ बताए कैसे कैसे स्टडी को लेके फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, कैसे सब कुछ बहुत अच्छा। पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का रीज़न बता सकते हो आप कोटा में आगे? सर मेरे भाई लोग एलएन से हैं, वो बोले दोनों मतलब स्टडी जो है सेम है, जो ऑनलाइन पीडब्ल्यू में दीदी लोग पढ़ाई कर रही थी सेम ही है, मतलब बहुत अच्छा था पढ़ाई को लेकर फैसिलिटीज सब सेम। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपेक्षा बात की जाए तो पीडब्ल्यू आपको किस प्रकार से अलग लगती है, डिफरेंट लगती है? सर यहाँ पे स्टडी बहुत पहले बहुत अच्छी है, उसके बाद यहाँ फी भी कम में हो रहा है और लोअर प्राइस है, और एलएन जैसे रेजोरेंस हो गया उसके कंपेयर में देखा जाए। पीडब्ल्यू ऑफलाइन कोटा में लेके आई है, इसकी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो थी वो कहाँ से पता लगी? सर ऑनलाइन सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।